Hey guys, welcome to my channel, A Homemaker's Life. I wish you all a very very good morning. मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होता है गर्म पानी पीने से। गर्म पानी पीने के बाद बारी है लेमन टी बनाने की। मैंने ससपन में डाल दिया है एक चुटकी काली नमक। अब डाल रही हूँ ढेर सारा नींबू का रस। इधर बन चुकी है दाल, धुली हुई उड़द का दाल है। ये दाल मुझे बहुत पसंद है। इधर मैं दूध उबल के रखी हूँ। आज बनेगा आलू पनीर की सब्जी। आलू पनीर की सब्जी की रेसिपी मेरी दूसरी चैनल शोमी मजुमदार किचन में अपलोड करूँगी। आलू पनीर की सब्जी की रेसिपी की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मेरी दूसरी चैनल शोमी मजुमदार किचन ज़रूर विजिट करें। थोड़ी देर बाद मैं दोबारा किचन में आ चुकी हूँ। अब बनेगी मिल्क टी बेटे के लिए। बेटा उठ चुका है, वो लेमन टी नहीं लेता, उसके लिए बनाना है मिल्क टी। मैं दोनों के साथ ही हूँ, हस्बैंड के साथ पीती हूँ लेमन टी। और थोड़ी देर बाद, एक आधा घंटा बाद, बेटा जब उठता है उसके साथ ले लेती हूँ थोड़ी सी मिल्क टी। तो अभी मिल्क टी बनाने की प्रिपरेशन चल रहा है। ये रुमाल मुझे पनीर बनाने के लिए ज़रूरत है, इसलिए मैं सब कुछ अरेंज करके रख रही हूँ। थोड़ी देर में मैं बना लूँगी पनीर। फ़िलहाल चाय चढ़ा के मुझे दूसरे काम निपटा लेना है। बेटा चाय में इलायची और अदरक कुछ भी नहीं लेता, खास करके मॉर्निंग टी में। सुबह सुबह उसको प्लेन मिल्क टी चाहिए, तो इसलिए मैं सुबह की जो टी है, मिल्क टी है, उसमें एक अदरक या तुलसी या इलायची कुछ भी नहीं डालती। पर्सनली मुझे अदरक या तुलसी डाल के चाय पीना बहुत पसंद है। बाकी के टाइम में, दिन में अगर कभी कभी बनाती हूँ जब, तब मैं डाल लेती हूँ, लेकिन मॉर्निंग टी में मैं कुछ भी शामिल नहीं करती। प्लेन मिल्क टी उसके लिए बना देती हूँ। चाय चढ़ा के मैं आ गई हूँ बैल्कनी में। बैल्कनी में देखिए कितना अच्छा धूप आ रहा है। मॉनसून के मौसम में जो भी लेंटिल्स या पल्सेस हम स्टोर करते हैं, उसमें कीड़ा लगने की चांसेस है। इसलिए मॉनसून की मौसम में जब भी धूप निकलता है, मैं बारी बारी दालें या चना, इस टाइप की जो लेंटिल्स है हमारे पास, उसको मैं धूप में देती हूँ ताकि कोई कीड़ा ना लगे। अब मैं जो धुले हुए कपड़े हैं उसको निकाल लूँगी और एक बैच और धुलने के लिए डाल दूँगी। एक बैच कपड़े मैं अभी धोने के लिए डाल रही हूँ। जब तक ये कपड़े धुल जाएगा, तब तक पहले बैच का जो कपड़े है, जो अभी मैं सुखाने वाली हूँ, टब में रखा हुआ है, ये सूख चुका होगा, तो उसको उतार के मैं ये सुखा लूँगी। सुबह सुबह अगर कपड़े धुल जाए तो मुझे लगता है एक बड़ा काम मेरा हो गया है।
काम के बीच बीच में मैं अपने बेटे के साथ बात करती रहती हूँ। उसकी एग्जाम खत्म हो चुका है, अभी वो मस्ती करने में बिजी है। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छी धूप निकली है। अगर बरसात के मौसम में बीच बीच में ऐसे धूप निकले तो घर में जो दालें हैं या चना वगैरह स्टोर है उसको धूप में डालना मत भूलिएगा। इसी टाइम कीड़ा लगने की बहुत चांसेस होता है। मशीन में कपड़ा डाल दिया है, अब मुझे ये जो धुले हुए कपड़े हैं इनको सुखा लेना है। अभी मैं आपको मेरे बालकनी से बाहर की नज़ारा दिखा रही हूँ। देखिए कितना सुंदर व्यू है। बालकनी में खड़े हो जाओ तो आपको टाइम का पता ही नहीं चलता। सुबह सुबह उठ के मैं यहाँ आ जाती हूँ गर्म पानी की काप लेके। बहुत अच्छा लगता है बालकनी में खड़े रहना, और ऐसे मस्त धूप निकले तो क्या बात है। अब किचन में मेरा दोबारा एंट्री हो चुकी है। चाय चढ़ा के मैं बालकनी में चली गई थी कपड़े डालने और धुले हुए कपड़े सुखाने के लिए। अब तक तो चाय बन चुकी है, अब मैं रिभू को चाय दे के आऊँगी और उसके साथ साथ मैं भी थोड़ा सा ले लूँगी। आइए फ्रेंड्स, आप लोग भी एंजॉय कीजिए मिल्क टी हमारे साथ। हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, मतलब एबनॉर्मली हेयर फॉल हो रहा है। ये मानसून के मौसम में हेयर फॉल थोड़ा बहुत तो सबको होता है, लेकिन मेरा एबनॉर्मली हेयर फॉल हो रहा है। मतलब जहाँ मैं खड़ी होती हूँ वहाँ पे एक बालों का पुल बन जाता है, हर तरफ ही मेरा जुल्फे ही जुल्फे रहता है। इसलिए डॉक्टर के पास जा रही हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले हम होल फैमिली का कोविड हुआ था और मेरा थोड़ा ज़्यादा ही सीरियस हो गया था। तो पोस्ट कोविड हेयर फॉल का भी एक बात हम सुन रहे हैं, नेट में भी पढ़ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा डॉक्टर को कंसल्ट करने जा रहे हैं। तो चलते हैं, अगर वहाँ पे पॉसिबल हो तो मैं वहाँ पे भी ब्लॉगिंग करूँगी, आपको दिखाऊँगी कहाँ मैं गई हूँ। फिलहाल थोड़ा कुछ और काम भी है, वो भी निपटा लेंगे। हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं, बिजी रोड है आगे, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है। हम धीरे धीरे चल रहे हैं। 10:30 बजे निकलना था, हस्बैंड ने टाइम दिया था 10:30 बजे निकलना है, लेकिन वही सुबह का ब्रेकफास्ट, नहाना, पूजा करना, थोड़ा बहुत काम तो रहता ही है, आप सबको भी रहता है। तो चलते हैं, देखिए ट्रैफिक का हाल। चलते हैं जाके डॉक्टर के पास, जाके आप लोगों से मिलती हूँ। अगर पॉसिबल हो तो मैं दिखाऊँगी कहाँ मैं आई हूँ। ब्रिज में चढ़ चुके हैं, ब्रिज क्रॉस करते ही आएगा मार्केट, थोड़ी और दूर है। मार्केट में पहुंच के मैं आपको दिखाऊंगी। हम जिस एरिया में रहते हैं वहां का मेन मार्केट है, वो कुछ काम है वहां। तो हम पहुंच गए, यहां पे हमारा थोड़ा सा काम है। अब मास्क पहनने की बारी है, तो मास्क पहनने के पहले आप लोगों से थोड़ा बातें कर ली। चलिए मैं काम निपटा के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हम डॉक्टर के पास पहुँच चुके हैं, हॉस्पिटल में आपको दिखाती हूँ। शायद अंदर ब्लॉगिंग करना अलाउड नहीं होगा, मैं बाहर से आप लोगों को दिखा देती हूँ। शाम हो चुका है, लौटते वक्त हम कुछ सब्जी लेके आए थे, अब उस सब्जी को वॉश करने की बारी है। कोविड के बाद ये एक एक्स्ट्रा काम हम सबको आ चुका है कि कुछ भी खरीदो तो उसको कम से कम 3 दफ़ा वॉश करो। बहुत अच्छे से पहले मैं पानी से वॉश करती हूँ, फिर मैं विनीगर की पानी में भिगो के रखती हूँ, फिर मैं सब्जी को सुखा के फ्रिज में डालती हूँ। इतना कुछ करने के बाद भी हमको कोविड हो गया।
अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बोल रही हूँ फ्रेंड्स, ये टाइम थोड़ा सा टफ है हम सब के लिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशस रहने की ज़रूरत है। पोस्ट कोविड जो सिम्टम्स है उसमें एक तो है मेरा एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा है, दूसरा मेरे होठों के पास जो एलर्जी हुआ था उसका साइन अभी तक है। जब मैं क्लोज कैमरा से आप लोगों के साथ वार्तालाप कर रही थी कार में, तब आपने देखा होगा मेरे होठों के पास अभी भी निशान है। ये एक अजीब सी एलर्जी हो गई थी मुझे सब्जी से, कौन सी सब्जी से हुआ है ये मुझे पता नहीं। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहती रहती हूँ कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा कसास रहिए, वो तो आप सब रहते ही है, फिर भी एज ए फ्रेंड मैं बोलती रहती हूँ। सब्जियों को अब मैं अलग अलग बर्तन में कुछ घंटे भिगो के रख दूंगी। सबसे पहले मैं प्लेन नॉल वाटर से सारे सब्जियों को अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के धो लेती हूँ, उसके बाद पानी में भिगो के रख दूंगी कुछ घंटे। अब मैं एक से डेढ़ चम्मच विनेगर सारे बर्तन में डाल दूंगी। विनेगर वाटर में सब्जियां कुछ देर तक डुबो के रखूंगी, फिर मैं पानी से निकल के इनको सुखा के फ्रिज में रखूंगी। प्याज अदरक लहसुन ये सब सब्जी धोना नहीं होता, फिर भी मेरा दिल नहीं मानता, इसलिए मैं डायरेक्टली इनको अपने अपने जगह में नहीं डालती, पहले सिंक में डाल देती हूँ। इनको भी मैं एक बार पानी में वॉश ज़रूर करती हूँ, उसके बाद अपनी अपनी जगह में सेट कर देती हूँ। पनीर मैं कैसे बनाती हूँ वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। इस वीडियो में अगर मैं वो क्लिप अटैच करती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। ओके फ्रेंड्स, आज यहीं तक ही मैं रखती हूँ। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं कल आप लोगों से